आपका सबसे पहले तो स्वागत है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 2 3 महीनों से हमारा लगातार हर मंथ में जो है एक या दो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग करते हैं 1 1.5 घंटे का। उसमें डायरेक्टर साहब का इनिशिएटिव है, उन्होंने ये कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन से सभी लोग कुछ ना कोई ट्रेनिंग सबको देंगे। तो उसी क्रम में आज जो है कमला बरगिली जी जो DDO है हमारे हेडक्वार्टर में, वो इनकम टैक्स के ऊपर आपको कुछ डिटेल्स या जो भी ट्रेनिंग है वो बताएंगे। जो भी और इंट्रक्शन है, एक तरह से आप लोगों के अपने डाउट्स होंगे वो भी पूछ लेना। और कमला जी आप शुरू कीजिए प्लीज। मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है। पहुंच रही है, पहुंच रही है। सभी लोगों को मेरा अभिनंदन। आज का टॉपिक हमारा इनकम टैक्स पर है। जैसा आप सभी को पता है कि इस पिछले साल से वैसे इंट्रोड्यूस हो गया था, एक नई स्कीम के थ्रू और एक पुरानी स्कीम के थ्रू हम इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। उसमें हमको एक ऑप्शन चूज करना होता है कि हम अपना इनकम टैक्स जो है उसमें रिबेट हम नए के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं या पुराने के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो होता है कि हमको टैक्स किस किस पर देना पड़ता है, किस किस पर टैक्स लगता है, टैक्स की डेफिनेशन में क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो इसमें जो जो टैक्सेबल इनकम होती है उसमें हमारा कवर होता है पे, बोनस, डीएनएस अलाउंस, कंपनसेटरी अलाउंस, हाउस रेंट और ऑनरेरियम, रियम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस एंड पेंशन एंड सब्सटेंस अलाउंस, इंटरिम रिलीफ और लीव इंकैशमेंट जो LTC के साथ 10 डेज का होता है वो उसमें कवर होता है, जिस पर हमको की टैक्स देना पड़ता है। उसके अलावा हमें टैक्स किस पर नहीं देना होता है उसमें आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स में हमें किसी पर भी नहीं देना होता है। यूनिफॉर्म अलाउंस में भी टैक्स नहीं है। वैल्यू ऑफ लीव इंकैशमेंट, लीव ट्रेवल कंसेशन पर भी नहीं है और लीव इंकैशमेंट पर भी नहीं है। ये तो हो गया किस पर टैक्स लगता है और किस पर नहीं लगता है। इस यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मैडम ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे है टैक्स? हाँ, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है सर उसमें अभी केवल पर मंथ 1600 और साल भर का 19200 का आप जो है रिबेट ले सकते हैं। नहीं ले सकते, लेकिन उसमें तो वो परमिट नहीं करता, शायद वो बंद कर दिया है। ओनली फॉर हैंडीकैप्ड इट्स परमिसिबल। हम जो है हमने तो पूरे पे लगाया है, हमने तो उसको टैक्सेबल इनकम में लिया है, ग्रॉस में ऐड किया है। अब जब हाँ इंडिविजुअल अपना फाइल करता है तो उसमें लिखा तो है एग्जम्पशन 1920 का हाँ लिखा हुआ है, अभी मिल रहा है नहीं मिल रहा है मेरे को भी इतना क्लियर नहीं है नहीं, लेकिन क्योंकि फॉर्म 16 में वो एग्जाम्प्ट अलाउ करोगे तभी ही तो वो आके क्लेम कर पाएगा। उसमें 1900 19200 एनुअल लिखा हुआ है। करेक्ट है, लेकिन आप फॉर्म 16 जब जनरेट करते हो तो वो एग्जाम्प्ट वहां वो दिखाना चाहिए, क्योंकि वो ऑफिस की पेमेंट्स है, इसलिए वो कंफ्यूजन था। मैंने फाइल किया तो वो फिर इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने वो इंक्लूड ही कर दिया फिर इसलिए। हाँ हमने भी इंक्लूड किया हुआ है सर, वो हाँ तो इसका मतलब एग्जाम्प्ट नहीं है ना वो नहीं वाला। है लेकिन किताब में लिखा हुआ है। हाँ वो ये कंफ्यूजन है, तो ये यदि आप क्लेरिफिकेशन इसकी क्लियर कट होता भी तो फिर हम आगे उसको क्लेम कर पाए ना, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है फिर जब वो जी, नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो सर फिर हम उसमें है क्या ना। करें। एक्सेप्ट तो कर लेता है, उसके बाद जब नोटिस आएगा तो फिर जवाब नहीं बनता ना हमारे से। अच्छा चलो फॉर्म 16 मांगेंगे, फॉर्म 16 में वो एग्जाम नहीं दिखा ठीक रखा। है सर, मैं इसको 1 2 दिन में सीए से और ठीक ज्यादा ठीक अच्छी तरह समझने के बाद आपको बताऊंगा। ठीक ठीक है और कुछ? किसी को और कुछ पूछना नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं। अच्छा अब दूसरा आता है कि हमको जो है इनकम टैक्स में रिबेट किस किस चीज में मिलती है। अभी जो नया आया है, नए में ये है कि हम जो फॉर्म 16 बनाएंगे वो हम सबका न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जो लोग पुराना ऑप्ट करना चाहते हैं वो ऑप्शन ऑप्शन देंगे, ठीक है। जिनका ऑप्शन नहीं आएगा इट मींस वो नए से करना चाहता है। इसलिए सभी लोग जो पुराना ऑप्ट करना चाहते हैं वो टाइम से अपना ऑप्शन दे दे,
क्योंकि लास्ट में जब टैक्स बच जाता है तो फिर वो देना देने वाले को भी दिक्कत होती है, काटने वाले को भी दिक्कत होती है। तो अगर अभी क्लियर हो जाता है कि भाई आप नया ऑफ कर रहे हैं पुराना ऑफ कर रहे हैं, तो एक वो किस्तों में आराम से कट जाता है, आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होती और काटने वालों को भी दिक्कत नहीं होती है। उसी के अनुसार कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। तो जो नए वाले है, नया वाला में है, नए वाले में केवल एक एक तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिलता है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एक लेट आउट प्रॉपर्टी होती है, हाउस प्रॉपर्टी, उसके इंटरेस्ट पर मिलता है। उसमें कोई लिमिट नहीं है, वो पूरे पे भी मिल सकता है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, एक जीपीएफ हो गया और एक लेट आउट हो, केवल तीन तीन पर ही वो दे रहा है नया वाला, ठीक है। और पुराना वाला है, पुराने वाले में जैसे कि पहले था सेम वैसा ही स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 की मिलेगी। 80C में जो है 1.5 लाख तक का है, जिसमें आपका LIC प्रोविडेंट फंड और ये ट्यूशन फीस और आपका PPF NPS PLI पोस्टल इंश्योरेंस वगैरह किसान विकास पत्र ये सब आ जाते हैं, ये 1,50,000 के अंदर आते हैं। दूसरा है आपका HRA का जो है, HRA जो लोग रेंट पे करते हैं उसका कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है, उस पर भी रिबेट मिलती है, जो कि आपका सेक्शन 10E 1013A में आता है। उसके बाद होता है एजुकेशन लोन 80E में आता है। और एजुकेशन लोन जो लोग लेते हैं, अगर उनकी EMI में पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो उनके पेरेंट्स को इंटरेस्ट पार्ट पर, केवल इंटरेस्ट पार्ट पे इसमें रिबेट मिलती है और 8 साल तक मिलती है, ठीक है। इसका कोई वो लिमिट नहीं दे रखी गई, 8 साल तक जो लोन है उसके उसके इंटरेस्ट पर छूट है। तीसरा है HBA इंटरेस्ट जो है सेक्शन 24B के अंदर आता है। ये जो है इसमें 2 लाख तक की लिमिट है, ठीक है। तीसरा होता है एक हेल्थ इंश्योरेंस 80D में आता है, और इसमें जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं उनका प्रीमियम वगैरह जाता है, या जो लोग हेल्थ चेकअप कराते हैं वो इसमें रिबेट ले सकते हैं, और उसकी लिमिट 25,000 है, 25,000 सालाना है, ठीक है। फिर आता है एक हैंडीकैप डिसेबल होता है, जिनके बच्चे डिपेंडेंट डिसेबल होते हैं या जो सेल्फ होते हैं, तो उसमें जो बिलो 80% वाले हैं हैंडीकैप, उनको जो है 75,000 तक की रिबेट है। उनको अपना हैंडीकैप का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, कितना परसेंट डिसेबिलिटी है करके। और जिनका डिसेबिलिटी 80% से अबव है, वो 1,25,000 तक की उनको रिबेट मिल सकती है, ठीक है। अब आए हम एनपीएस में जो 80CC D2 है, जो एम्प्लॉयर शेयर है, एम्प्लॉयर शेयर में 14% जो होता है उसमें बेसिक और डीए का पार्ट होता है। बेसिक और डीए के पार्ट का 14% जो एम्प्लॉयर शेयर होता है उसकी पूरी रिबेट मिलती है, ठीक है। और एक होता है एम्प्लॉयर सेल्फ कंट्रीब्यूशन जो होता है, वो 80CC DA है। उसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉय का, पहले तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था, अब जो खुद का होता है उसमें जैसे हम लोगों को 1.5 लाख तक की रिबेट मिलती है, तो उन लोगों को 50,000 एक्स्ट्रा की रिबेट इसमें मिल सकती है, अप टू 2 लाख तक वो लोग इसमें रिबेट ले सकते हैं, ठीक है। फिर है एक अभी उसके अलावा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, जिन लोगों का सेविंग होता है वो 80TTA के अंदर आता है। उसमें क्या होता है कि जिन लोगों का बैंक बैलेंस है उसका इंटरेस्ट अगर 10,000 से ज्यादा होता है, तब उस पर उनको टैक्स देना पड़ता है। और एक होता है जो हम कंट्रीब्यूशन देते हैं, जैसे कि अग्निवीर वगैरह क्रॉप्स के लिए जो जाता है, उसमें कोई टैक्स नहीं है, उसकी रिबेट मिलती है टैक्स में, ठीक है। एक है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी 80G, इसमें रिबेट है। एक है गिफ्ट पे, ये गिफ्ट जो है सेक्शन 52(2) के अंदर आता है, इसकी लिमिट 50,000 है,
साल में 50,000 तक के गिफ्ट अगर आपको मिलता है तो उसके लिए रिबेट मिलता है, उसके ऊपर टैक्सेबल है, उसके बाद का टैक्सेबल है, ठीक है। और एक होता है इंटरटेनमेंट अलाउंस, बहुत सी जगह इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, उसकी लिमिट 5,000 तक है, 5,000 के ऊपर टैक्सेबल है, ठीक है। और जो एनपीएस 50 वाला है वो 80CCD में आता है। इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है किस पे आप मिलता है किस पे नहीं मिलता है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ मैडम, एक चीज पूछ रहा हूँ कि परिवार में दो व्यक्ति हैं और दोनों ही अलग अलग तरीके से हैंडीकैप्ड हैं। अच्छा, तो क्या दोनों को 75,000 का बेनिफिट मिलेगा या सिर्फ एक को? दोनों की डिपेंडेंसी एम्प्लॉय पर ही है। हाँ हाँ, मैंने ऐसा केस मैंने देखा तो नहीं है, पर इसमें जहां तक है दोनों को मिलना चाहिए। मैं आपको थोड़ा पढ़ने के बाद क्लियर करूंगी क्योंकि ऐसा केस अभी तक आया नहीं। एक तो मतलब एम्प्लॉय है, वो भी जो है उसको डिसेबिलिटी है, और दूसरा जो है उसकी डिपेंडेंट वाइफ है और वो भी इसको प्रॉब्लम है, तो इसको क्लियर करके बताना फिर मेरे को। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और कुछ? अच्छा, अगर आपको कुछ ही पूछना है तो जो एचआरए का केस है, एचआरए का जब एचआरए का जो लोग रेंट पे करते हैं उसका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का 3 तरीका होता है। एक तो ये होता है कि उसको एक्चुअल एचआरए कितना मिल रहा है, दूसरा होता है कि जो वो किराया दे रहा है, रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, बेसिक और डीए का जो 10% सैलरी होता है उसको उसको माइनस करते हैं जो वो रेंट दे रहा हो उससे, और तीसरा है 50% ऑफ सैलरी। इन तीनों में से जिसमें सबसे कम होता है उस पर रिबेट मिलती है, ठीक है। एक है जैसे किसी का एक महीने का एचआरए 16,950 है किसी का, तो उसको इंटू 12 करते हैं तो 2,03,472 आता है। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10%। माना किसी का साल भर का वो महीने का किराया 20,000 है और उसका जो एचआर जो उसका 10% ऑफ बेसिक और डीए का है वो 62,800 है, तो 62,800 का जो 10% है उसको माइनस करेंगे जो वो किराया दे रहा है उससे, और जो आएगा इंटू 12 क्योंकि हम 12 महीने निकाल रहे हैं, तो वो आ जाता है 1,64,640। अब हमारे पास 3 फिगर हो गई, जो सबसे पहले हमने निकाला था कि उसको एक्चुअल एचआरए कितना मिल रहा है वो 2,03,472 था, उसके बाद जो हमने निकाला 10% वाला तो वो 1,64,640 आया, और तीसरा वाला हमारे पास आया 50% ऑफ सैलरी, ये हमारे पास 3,76,800 आया। तो इन तीनों में से जो सबसे कम है वो वही आता है, ज्यादातर वही आता है जो रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, वो आया 1,64,640, तो उसको रिबेट जो है 1,64,640 की मिलेगी। ये कैलकुलेशन होती है एचआरए के निकालने की, ठीक है। इसमें किसी को कुछ दिक्कत हो तो पूछ लो। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। मैडम, ये मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एचआरए वाला जो हमारा ये है कंपोनेंट, ये एटीसी से में इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है, उससे बाहर है? एचआरए वाला? जी जी, एचआरए वाला अलग है। अच्छा, अलग है, ठीक है मैडम, थैंक यू। अच्छा, एक और होता है, एक होता है लेट आउट वाला,
एक होता है लेट आउट प्रॉपर्टी, जैसे कि माना हमारे पास दो घर है, वो दो ही, दो से ज्यादा नहीं रख सकते घर, तो एक घर है कि वो हमने बना के किराए पे दे दिया हुआ है जैसे, तो उसकी कैलकुलेशन, उसकी उसकी भी हमें रिबेट मिलती है। उसकी कैलकुलेशन इस तरह होती है कि जैसा माना हमारे घर की एनुअल जो वैल्यू है वो 3 लाख है, ठीक है, उसमें से क्या करते हैं जो म्युनिसिपल टैक्स वगैरह कटते हैं, हाउस टैक्स वगैरह साल भर का, उसको माइनस कर देते हैं। उसके बाद जो फिगर आती है उसको हम कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से फिर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाता है सेक्शन 24 में, वो ये होता है कि जो ये नेट वाले में से 30% आता है उसको माइनस कर देते हैं। 30% में से माइनस करके जो आता है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, जो जो आपने लोन का इंटरेस्ट दे रखा है उसमें से उस अमाउंट को घटाते हैं। अगर वो माइनस में आता है तो टैक्स लायबिलिटी है, प्लस में आता है तो फिर उसको इनकम में जोड़ते हैं। जैसे कि किसी का एनुअल वैल्यू हाउस की 3 लाख है और उसका जो हाउस टैक्स वगैरह म्युनिसिपल टैक्स वाला जो आता है अमाउंट 10,000 आता है, तो एनुअल में से 10,000 को निकाल देंगे तो उसका जो नेट एनुअल वैल्यू आई वो 2,90,000 आई। अब 2,90,000 का 30%, 2,90,000 का 30%, 2,90,000 का जो 30% आएगा वो 87,000 आएगा, ठीक है। तो 87,000 और जो हमने टोटल इंटरेस्ट पे किया है लोन्स के अगेंस्ट, उसका कोई लिमिट नहीं है, जितना भी हमारा लोन का वो इंटरेस्ट है उसमें से हम माइनस कर देंगे 2,50,000 माइनस 87,000 इंटरेस्ट पेड ऑन लोन इंटरेस्ट में। हाँ, ये फिगर कैसे 4,700 प्लस 2,50,000 297,000। तीन लाख हमने एनुअल वैल्यू निकाली, म्युनिसिपल टैक्स उसमें से 10,000 निकाल दिया, एनुअल वैल्यू आ गई उसकी 2,90,000 में से हमने 87 निकाल दिया और फिर उसको लोन अमाउंट से माइनस किया। लोन अमाउंट से माइनस करके अगर वो प्लस में आ रहा है तो वो इनकम में ऐड हो जाएगा, अगर माइनस में आ रहा है तो उतनी हमें रिबेट मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं हम न्यू स्लैब और पुराने स्लैब का। मैडम एक क्वेश्चन है। हाँ, रिगार्डिंग लेट आउट प्रॉपर्टीज। हाँ, देयर वाज अ थिंग दैट दैट एंटायर अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट बोरोड ऑन द लोन विल बी डिडक्टेड, बट व्हेन वी आर गोइंग टू फाइल दैट वन इट इज ओनली लिमिटेड टू 2 लाख under the section 24B, and they are telling that it is will be carried out for the let out में नहीं है 2 लाख let out property let out में 2 लाख let out में without limit है, दूसरे वाले में HBA interest वाले में 2 लाख है। yes, loan का interest अलग है। ओ ये let out property में it is entire amount whatever the that interest but when we are filing it is restricted only to the 2 lakh and I tried in ITR 2 also, there also they are telling that it will be carry forward for the next year like that. नहीं समझ आ रहा आप क्या कहना चाहते हैं। That in case of let out property
that entire amount they are paying, entire that interest paid against the loan is deducted. But when we are going to file, it is only restricted to 2 lakh only. 2 lakh let out property bhi kar rahe hain aap usko? Yes ma'am. Usme aap us let out property ka code kya hai? Let out property do jaise do hai na ye. Ho sakta hai let out property aur usme aapka galat ho raha ho. Interest on the. Madam, unhone loan liya hai. HBA interest और let out property. एक है section 24B. Limit 2 lakh. वो तो interest वाला है. Yes ma'am. है ना? Yeah. Let out वाले का code कुछ और है शायद. है 24A है. 24A. Hmm. 24A में है let out. Hmm. It is there. एक दिन में अपना वाला मंगाती हूँ. हाँ जी नहीं वो तो बेटा सुबह दी थी ना आपने सुबह लाए थे आप इसमें है क्या निकालना जरा मेरा जो लेट आउट प्रॉपर्टी का है उसका सेक्शन चेक करना क्या है लेट आउट प्रॉपर्टी का सेक्शन क्या था मेरा वाला जिसमें दे रहा था ना हाउस का रिबेट जिसमें दे रहा था वो कौन सा सेक्शन है रेंट ऑन मतलब मतलब लोन लेके घर लिया है फिर उनको रेंट में दिए वही है ना तो जो लोन में लिए हैं उसका 2 लाख लिमिट है ना ईयरली ये 192 2B में आता है लेट आउट प्रॉपर्टी वाला हेलो किसने क्वेश्चन किया था यस मैम ये जो लेट आउट प्रॉपर्टी वाला है ये 192B 2B में आता है उसका जो ए वाला है उसमें शो करेंगे ओके मैम बट My question is they are not deducting entire that interest paid. Only they are restricting to the 2 lakh only. भाई 2 लाख भी नहीं करता वो जो difference आता है ना उसके हिसाब से करता है जो मैंने आपको calculation बताई 2 लाख 2 लाख तो उसमें है जो HBA interest है ये let out property अलग चीज है और HBA interest अलग चीज है ठीक है मैंने रमेश बता हेलो मैडम तो मैडम हाँ जी हेलो हाँ मैडम रमेश बोल रहे हैं मतलब वो लोन लेके घर लिए हैं फिर घर को उन्होंने रेंट में दिए हैं ठीक है जो जो घर जो घर लेने के लिए लोन लिए हैं ना मैडम हाँ तो उनका जो इंटरेस्ट है वो हाँ, 2 लाख तक क्लेम कर सकते हैं 2 लाख नहीं उसमें ऐसा कुछ नहीं है वो इंटायर अमाउंट से माइनस करना है जैसे देखो यही वाली कैलकुलेशन है माना उसका 3 लाख था 1 2 3 4 5 3 लाख इसके ये था इसमें से आपका 10 म्युनिसिपल माइनस हो गया ये आ गया इसका फिर जो है इनटू 30% ये हो गया ठीक है अब 2,50,000 माइनस ये फिगर कैसे आई इससे माइनस किया 2 लाख है 1 2 3 4 5 माइनस
87 से नहीं आएगी ये फिगर, 2 लाख से भी नहीं आएगी ये फिगर, ये वाली रिबेट मिल रही है ना इसको 3 लाख। अगर ये लोन के अमाउंट से घटा देंगे, अगर ये माइनस में फिगर आएगी तो इतनी रिबेट मिलेगी, अगर ये प्लस में आएगी तो ये हमारी इनकम में ऐड हो जाएगी। ये है इसकी कैलकुलेशन। दो आप क्या कह रहे हैं कि 2 ही लाख तक ले रहा है? हेलो, इसने लेट आउट प्रॉपर्टी निकाला मैडम, दैट इज ओनली रेस्ट्रिक्टिंग टू 2 लाख ओनली मैडम, दैट इंटरेस्ट अमाउंट व्हिच आई एम पेइंग इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख ओनली, एंड आई ट्राइड विद ऑल दिस चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड देवलोक का ऊपर है मैडम एंटायर अमाउंट दे विल टेल, बट व्हेन वी आर फाइलिंग इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख एंड दैट लेफ्ट ओवर अमाउंट विल बी कैरी फॉरवर्ड इन फॉर द नेक्स्ट ईयर लॉस एडजस्टमेंट लाइक दैट दे आर एक्सप्लेनिंग। सर आप मेरे को अलग से करना, मैं इसको थोड़ा सा समझ के और क्लियर करूंगी अगर ऐसा है, ठीक है? थैंक यू। क्योंकि एचबीए में तो 2 लाख है, इसमें तो कोई लिमिट नहीं है। वही मैडम, वो तो लिमिट लिखा है मैडम, व्हाइल फाइलिंग इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली 2 लाख मैम, एंड दैट द लेफ्ट ओवर लॉसेस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। नया वाला ऑफ किया, पुराना वाला ऑफ किया? हां पुराना वाला मैडम, पुराना वाला में। यस मैम। अच्छा, हमें तो 2 लाख ही है, है? मैडम वो 2 लाख ही है, करेक्ट है वो? उन्होंने जो घर लिए हैं उसके लिए लोन लिए हैं, तो जो लोन लिए हैं लोन का जो इंटरेस्ट आएगा ना, जो इंटरेस्ट है वो 2 लाख तक ही आपको मिलेगा। 2 लाख तो सर एचबीए में है, लेट आउट प्रॉपर्टी भी नहीं है सर। मैडम जो लेट आउट प्रॉपर्टी, मैडम जो प्रॉपर्टी उन्होंने लिया है ना, उन्होंने लोन लेके लिया है, उसके पास रेंट में दिया है। चलो सर मैं इसको और क्लियर करूँ, मैंने आज ही पढ़ा था, मुझे उसमें ये था कि कोई लिमिट नहीं है। लेट आउट बोले तो वही मीनिंग है, आपने ओन प्रॉपर्टी ओन किया है और आपने रेंट में दिए हैं, तो रेंट का जो इनकम आएगा वो भी टैक्सेबल है, और इंटरेस्ट जो आपने लोन लेके घर लिया है वो उसका 2 लाख तक लिमिट है उनका इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं बैंक को या जिसको पे कर रहे हैं। अपने बिल्डिंग ओन किया है, ठीक है, अपने अपने बिल्डिंग को मैंने खरीदा है, उसके बाद आपने उसको रेंट पे दिया है, दैट इज लेट आउट प्रॉपर्टी। आप उसमें रह नहीं रहे जो, हाँ उसमें और उसमें वो रह नहीं रहे हैं, तो रेंट जो आएगा वो भी इनकम, वो भी टैक्सेबल है, इसमें जो भी इनकम आएगा। अगर वहाँ घर में रहते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं है, अगर घर में नहीं रहते हैं और रेंट में दे रहे हैं तो जो रेंट में पैसा आएगा दैट इज टैक्सेबल है, लेकिन आप घर लेने के लिए जो पैसा आपने एडवांस लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट में 2 लाख तक ही छाड़े आपको, 2 लाख तक रिबेट है जो इंटरेस्ट में। उसका तो मेथड है सर, जो आपको किराया आ रहा है उसका जो मैंने कैलकुलेशन बताई थी उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उतने की ही रिबेट मिलती है, पूरी 2 लाख की नहीं मिलती है। हाँ वो भी है, मतलब आपने कितना इंटरेस्ट आ रहा है ईयरली वो लेके है, कुछ ऐसा हाउस बिल्डिंग का एडवांस में आएगा वो। इसमें मैडम दो चीजें क्लब कर रही हो, इंडिपेंडेंट है दोनों चीजें। पहला तो ये है कि जो आपने हाउस बिल्डिंग एडवांस है उसमें कैलकुलेशंस डिफरेंट होती है लेट आउट प्रॉपर्टी की सेपरेट। वही मैं भी बोल रही हूँ। तो जो आपने हाउस बिल्डिंग एडवांस है उसमें जो रिबेट है दैट इज ओनली अप टू इंटरेस्ट ऑफ 2 लाख, उससे 10 लाख भी इंटरेस्ट होता है तभी 2 लाख ही जो टोटल इनकम है उसमें से डायरेक्ट रिड्यूस हो जाता है, इनकम ही रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और जो लेट आउट प्रॉपर्टी की है वो इनकम में कुछ कैलकुलेशंस लॉस दिखा के या मेंटेनेंस, वही तो मैं बता रही हूँ उनको। लेट आउट प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन अलग तरीके से होती है। हाँ बिल्कुल, दोनों इंडिपेंडेंट होंगी, दोनों लिंक नहीं। जो एचबीए इंटरेस्ट है उसको तो कुछ नहीं करना, उसको तो अप टू उसके लिए 2 लाख है और डायरेक्ट ग्रॉस में से माइनस। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए लेट आउट प्रॉपर्टी का अलग हिसाब है। बिल्कुल, चाहे वो सिंगल प्रॉपर्टी के लिए ही दो टाइप की एक जगह
एग्जम्पशन है, एक जगह इनकम है वो, ठीक है, जो रेंट पे दिया हुआ है सेम प्रॉपर्टी को वो इनकम ऐसा है ना, लेट आउट प्रॉपर्टी में ऐसा है, अगर फिगर आपकी माइनस में आ रही है तो उतने की आपको रिबेट मिल जाएगी, अगर आपकी प्लस में आ रही है तो वो आपके इनकम में ऐड हो, वो कैलकुलेशंस डिफरेंट है, इसलिए दोनों चीजें चाहे इरेस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, चाहे सेम प्रॉपर्टी के लिए कैलकुलेशंस विल बी टू इंडिपेंडेंट उसके वो प्लेस, वही मैं लेट आउट प्रॉपर्टी का बता दी थी, ठीक है मैडम। वो 2 लाख की बात कर रहे हैं ना, हाँ जब वो 2 लाख की बात कर रहे हैं ना उसमें वो तो बताइए, वो एडवांस उन्होंने एडवांस ले रखा है, मतलब लोन लेके प्रॉपर्टी ओन किया है बस, वो उसका लोन लेके दोनों ही लोन लेके हो सकता है, एसबी भी लोन लेके हो सकता है, लेट आउट भी लोन लेके हो सकता है। नायक जी वो बैंक से जिससे भी लोन लिया है उस एजेंसी से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जनरेट होगा और उस इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पे क्लेम उस पे ले सकते हो एग्जम्पशन। सर उसका 2 लाख की लिमिट है, उसका उसकी लिमिट 2 ही लाख है। हाँ भाई वही बोल रहे हैं ना, हाँ नहीं 2 ही लाख लिमिट है उसकी, एचबीए की बात करें उसमें 2 ही लाख है, लेट आउट प्रॉपर्टी की अलग कैलकुलेशन होती है, उससे जो डिफरेंसेस आता है इफ दैट इज इन माइनस तो वो हमें रिबेट मिलेगी, प्लस में आता है तो हमारे इनकम में टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाती है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं हम ओल्ड वाले स्कीम से कैसे कैलकुलेट करते थे और पुराने नए से कैसे करते थे। ओल्ड वाला तो मुझे लगता है जहां तक है सभी को आता होगा, उसमें कोई अंतर नहीं आया है, उसमें यह है कि आपका 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं आता है, अगर आपका 5 लाख से 10 रुपया भी आ जाता है ऊपर तो फिर कुछ नहीं आएगा, जो दूसरा 2.5 लाख है उसमें 5% आएगा, उसके अलावा 5 लाख से अबव जो है वो स्लैब के अकॉर्डिंग आएगा, उसका टैक्स कैलकुलेशन होएगा। इसमें किसी को शक है कुछ? जैसे कि माना किसी की इनकम 2,50,000 10 रुपया आ गई, तो उसमें जो है 2 लाख तक 2.5 लाख तक तो उसका 0 आएगा, जो दूसरा 2.5 लाख है उसमें जो है 5% आ जाएगा, उसके बाद का अमाउंट जो है वो स्लैब के अकॉर्डिंग आएगा, 10% 20% जो भी है वो ऐड हो जाएगा उसमें। ये तो था पुराना वाला मेथड। पुराने वाले मेथड में सारी रिबेट्स मिलती है जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये अलग अलग उसमें सारी। ये मैडम नए वाले बता रहे हो आप, ये 5-10-15% नहीं नहीं न्यू नए वाले का तो सर 5-7 लाख है लिमिट। नहीं नहीं है, लेकिन इसमें जो ये 5-10-15 बता रहे हो ये जो है ना न्यू टैक्स रिजीम की है ये स्लैब्स। पुराने में भी तो सर जैसे पुराने में 5% का कोई स्लैब ही नहीं है। आप ये स्लैब नहीं है अगर आपका ठीक एग्जैक्ट 5 लाख अमाउंट आता है, ओके हाँ ठीक है ठीक है, तब तो आपका कोई टैक्स नहीं आएगा। अगर आपका 5 लाख से 2,50,000 वो बिल्कुल बिल्कुल 2,50,000 10 से मतलब 5 लाख से अबव आएगा तो 2,50,000 10 से लेके 3 लाख तक का जो डिफरेंस है उसपे 5% लग जाएगा, जो 1,250 आता है है ना, और फिर उसके बाद फिर जो 5 के अबव स्लैब है वो आ जाएगा सीधा 10% 20%। इसको कहीं पर बल्कि एक फॉर्म डिस्प्ले पे लगा देते हैं ना, जैसे जो जो आई मैं आपको बता दूं सर, ये तो हैंडबुक में क्लियर दे रखा है, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो हैंडबुक में सब है, मतलब कई चीजें कंफ्यूजन कई बार ऐसी स्लैब सारे ये जो नए रेट पुराने रेट ये तो पूरी वर्क टेबल सारी हैंडबुकों में अवेलेबल है। हां टेबल मैं इससे वो टेबल को डिस्प्ले के लिए शेयर करने के लिए कह रहा था ताकि वो इजीली समझ सके। स्क्रीन शेयर करना नहीं आता। जैसे कि 5,10,000 आपका आ जाता है ग्रॉस, तब आपको क्या होगा कि 2.5 लाख तक तो नील हो जाएगा, और ये 2,50,000 10 रुपए से लेके 3 लाख वाले में 5% होगा, और उसके बाद जो 5 से लेके आगे है उस पर 20% हो जाएगा, वो स्लैब में दिया हुआ है सारा मेंशन किया हुआ है,
ऐसा ही इसमें सारी रिबेट्स मिलेंगी। आप अगर किसी के पास कोई रिबेट्स के पेपर है तो वो पुराने वाले को ऑप्ट करे, अगर किसी के पास कोई कोई रिबेट वाले पेपर्स नहीं है तो वो नए को ऑप्ट करने में उसको फायदा होता है। नए वाले में क्या है कि अगर आपका सीधा 7 लाख एग्जैक्ट ग्रॉस आता है तो आपका टैक्स बिल्कुल नील है, ठीक है। अगर आपका जो है 7 लाख से थोड़ा भी ऊपर आता है तो फिर उसमें क्या है, उसमें 3 लाख तक तो आपका बिल्कुल नील है, जैसे उसमें 2.5 लाख में नील था, इसमें 3 लाख तक नील है। फिर 3 लाख 1 रुपए से लेके 6 लाख तक जो है 5% है, ठीक है। उसके बाद फिर वो स्लैब में दिया हुआ है, तो जो स्लैब में 5%, 10%, 15% अकॉर्डिंग टू इनकम अलग अलग दिया हुआ है। मैंने जो एक अपना एक्सपेरिमेंट करके देखा कि 7 लाख से लेके 15 लाख तक का मैंने दोनों तरीके से टैक्स निकाला, दोनों तरीके से अलग अलग लोगों का अगर टैक्स निकालते हैं तो उसमें उसका यही आ रहा है कि चाहे वो 7 लाख से तक ही उसका ग्रॉस भी होता है तो अगर उसके पास रिबेट्स के पेपर है तो वो पुराने को ऑप्ट करे, अगर उसके पास नहीं है तो नए को ऑप्ट करने में फायदा है, ठीक है। और नए वाले में एक केवल लेट आउट हाउस का मिलता है, एचबीए को कंफ्यूज मत करना है, नए वाले में एचबीए में रिबेट नहीं है, ये केवल लेट आउट हाउस का है, और 1.5 लाख जीपीएफ का है और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन का, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। नए वाले में एक चीज और है कि नया वाला जो इस बार लागू हुआ है ये बाय बाय मतलब डिफॉल्ट ही लग, अगस्त में हम एक सर्कुलर घुमा देंगे, जिस जिसको ऑप्शन देना है वो दे दे। मैडम ऑप्शन नहीं है इसमें इस बार, नहीं फिर भी जो लोग पुराने को ऑप्शन देना चाहते हैं वो अपना भी देगा लिख के, अदरवाइज तो सब पर नया ही माना जाएगा। सर हम आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं लेकिन बात में ना लोग नहीं, वो सर्कुलर निकालते रहो वो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बात बोल रहा हूँ अदरवाइज इतना क्लियर है कि ये इस बार नया ही लागू है सबके ऊपर, सर्कुलेट करने की कोई बात नहीं, जिसका ऑप्शन नहीं आया हम नए से कैलकुलेट करेंगे, नया ही लगेगा सबके ऊपर। अगर कोई ऑप्शन देना चाहता है ओल्ड का तो वो अगस्त के स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी अपना दे दीजिए और नया माना जाएगा उसका। देना तो ये शुरू में ही चाहिए था लेकिन अभी टाइम है, अभी हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो अगस्त के महीने में वो अपना ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। आपने अभी मैडम ये बताया था कि नए वाले में 7 लाख तक जो इनकम आएगी वो मतलब नील रहेगी ना ग्रोस, कैसे करा इसको समझाना कैसे कैसे नील होगी, जैसे कि किसी का 7 लाख आता है ग्रॉस, टोटल ग्रोस 7 लाख आ गया तो उसका जीरो इनकम टैक्स है। नहीं कैसे मतलब इसमें तो इसने दिखाया जैसे 2.5 लाख तक नील दिखा रहा है, उसके ऊपर 5% दिखा, मतलब कुछ फॉर्मूला है सर इसका ना, इसमें एक तो आपका 50,000 रुपए तक की तो सेट छूट है, रिबेट मिलेगी सीधे सीधे 7 लाख तक एकदम नील तो नहीं है ना सर, मेरे ख्याल से डायरेक्ट नील तो नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात कर रहे हैं 50,000। नहीं नहीं 7 लाख तक डायरेक्ट नील नहीं है ना सर, कुछ माइनस करने के बाद नील आएगा ना वो, जो टैक्सेबल इनकम आएगी 7 लाख मतलब ग्रॉस, जैसे क्या उसमें कुछ ऐसा है ना कि आपका क्या है जैसे टोटल इनकम किसी की 7 लाख ही आ रही है पूरे पूरे उसमें साल में, तो उसके ऊपर कोई मतलब टैक्स नहीं पड़ेगा, लेकिन लेकिन वो मतलब ऑटोमेटिक नील नहीं है वो, उसके ऊपर कुछ रिबेट विबेट देने के बाद शायद कुछ नील होगा ना वो, क्योंकि यहाँ पर देखो ना नई वाली रिजीम में कई ये लिखा है उन्होंने 2.5 लाख रुपए तक नील है, 2.5 लाख से 3 लाख तक आपका 5, मैं वही बता रही हूँ आपको सर। हाँ देखो अगर आपका बिल्कुल 7 लाख आता है, हाँ टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम मतलब टोटल इनकम 7 लाख आ रही ना, टैक्सेबल इनकम उसे कहते हैं जो कि आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर लो, अगर आपका लेट आउट हाउस का है वो माइनस कर लो और जीपीएफ माइनस कर लो, वो तो ओल्ड की बात कर रहे हैं ना आप, नहीं नए की भी बात कर रही हूँ, नए में कोई जीपीएफ माइनस होगा, नए में थोड़ी होगा चीजें माइनस सर, नए में तीन ही चीजों की रिबेट है, नहीं नए में आपने कहा ना नए में तो जीपीएफ है ही नहीं, इतनी सी तो है ही नहीं, नए में तो कोई भी रिबेट नहीं है ना, केवल 50,000 तक की रिबेट मिलेगी, केवल एक मेगा उसके ऊपर कोई डिडक्शन है ना, 50,000 है ना केवल, हाँ, बस उसके अलावा कोई भी रिबेट नहीं आएगी ना फिर, नहीं उसके अलावा बहुत लोगों का लेट आउट है, जैसे लेट आउट हाउस है
जो अभी मैं बता रही हूँ। नहीं नहीं, नए वाले में तो कोई रिबेट मिलेगी ना, और उसके अलावा तीन चीजें हैं नए वाले में, जो 7 लाख नील वाली सावर है ना, वो थोड़ा समझना। मेरे ख्याल से ओल्ड वाले में 7 लाख तक नील होगा रिबेट उबेट देने के बाद। ठीक बोल रहे, नए वाले में कोई रिबेट नहीं है। नहीं मैं ये ओल्ड वाले में, यदि नए वाले में 50 लाख स्टैंडर्ड डिडक्शन तो है ना, 50,000। हाँ, 50,000। नए वाले में एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एक जीपीएफ है। नहीं है मैडम, जीपीएफ नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है उसमें। एसटीसी बिल्कुल है, नो कोई डिडक्शन नहीं है उसमें। 7 लाख जो आप नील की बात बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद ये ओल्ड वाले में आएगा। ओल्ड वाले में सारे डिडक्शन के बाद अगर किसी की ग्रोस इनकम 7 लाख हो रही तो वो शायद नील पे आ जा रहा है। मैं कंफ्यूज हो गई क्या? नए वाले में तो 7 लाख का न्यू कैसे होगा? जैसे न्यू का, जैसे किसी का 7,50,000 आता है ना सर, तो 7 लाख। हाँ। नहीं नहीं, देखो तो टेबल में कहाँ लिखा हुआ है कि आपके मतलब 7 लाख तक की इनकम है। एक मिनट में दिखाती हूँ आपको, अब मैं दिखाती हूँ। 7 लाख नील तो कहीं नहीं दिखा रहा ना इसमें। ये मेरे पास एक पेपर है, इसमें ये दिया है न्यू रिज्यूम 2023 है ना, मार्च 23। इसमें दोनों दिखा रखे हैं सर, नया और ओल्ड दोनों कंपेयर किए हुए हैं ना। तो इसमें ये शो कर रखा है नए नए में किसमें रिबेट मिलेगी और पुराने में किसमें रिबेट मिलेगी। नए वाले में किस चीज में दिखा रहा रिबेट? तो इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे ये नए वाले में एक तो इसने स्टैंडर्ड डिडक्शन दिखाई 50,000। हाँ, वो तो रहेगा। ठीक है, एक इसने 24B दिखाया, लेट आउट प्रॉपर्टी जो मैं अभी बता रही थी आपको। ठीक है, हाँ सॉरी जीपीएफ नहीं, एनपीएस है सर वो। एनपीएस एम्प्लॉयर शेयर नए वाले में। हाँ ठीक है ना, जीपीएफ नहीं, एनपीएस एम्प्लॉयर शेयर। हाँ तो वो तो केवल एनपीएस वालों के लिए हुआ ना, सबके लिए तो नहीं होगा ना। 1.5 लाख इसमें नहीं है, ये एम्प्लॉयर शेयर है जो उनके लिए। और भी एक अग्निवीर प्रॉप को जो डोनेशन, वो तो खैर अलग चीज है, वो तो ऑटोमेटिक सब पे नहीं होगा ना। हाँ वो तो जो 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 उसके लिए एंटरटेनमेंट होगा उन्हीं को मिलेगा ना छूट, सबको नहीं मिलेगी ना, तो वो सब है। चलो चलो आगे चाहिए। अब जब इसकी कैलकुलेशन पर बात आती है नए वाले की, तो इसमें क्या है, माना किसी का 7,50,000 है, ये सब कुछ माइनस करने के बाद टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो अगर 7 लाख होता तब तो जीरो होता। अब 7,50,000 है तो इसमें क्या करेंगे कि 3 लाख तक तो नील होगा। ठीक है, फिर 3 लाख 1 रुपये से लेके 6 लाख तक 5% होगा। ठीक है, फिर जो बचा 1.5 लाख है उसमें 10% होगा, वो स्लैब के अकॉर्डिंग, स्लैब जैसा दिया हुआ है। क्लियर हो गया? तो वही 5%, 10%, 15%, 20% वाली चीजें है ना सर इसमें। मैं बात ये कर रही हूँ। हाँ, तो अगर बाय चांस डिबेट तो स्टार्टिंग से कोई अगर हाँ ऊपर जा रहा है तो उसको नहीं मिल, नील के ऊपर जा रहा है उसको। अगर 7 लाख से 10 रुपए भी ऊपर हो गया तो फिर ये वैसे ही चलेगा, 3 लाख तक नील और 3 लाख 1 रुपये से लेके 6 लाख तक 5%, फिर उसके बाद बचे पैसे में 10%। लेकिन 7 लाख वाली बात समझ में नहीं आ रही ना, कि 7 लाख कहाँ आ रहा हो। 7 लाख के बाद अगर 7 लाख तक आएगी तो तब तक जी ग्रोथ 7 ही लाख हो रही है बाई चांस, तो उसको मतलब उसके मतलब कैसे नील हो रही है वो थोड़ा समझ में नहीं आ पा रहा है। मैं पढ़ा तो मैंने देखा था मैंने, लेकिन 7 लाख वाला जो हिसाब है ना, कि हम कह रहे हैं कि 7 लाख तक अगर ग्रोस हुई तो नील हो जाएगा, वो मतलब कैसे नील हो रहा हो। हेलो, हेलो,
हेलो कमला का डिस्कनेक्ट हो गया सिस्टम उधर से ऊपर फोको आते कमला जी क्या हो गया रावत जी कहाँ चले गए कमला मैडम देखना बड़ा पूछो जरा बगल में तुम्हारा जाना है आवाज मार के देख लो ये जो है ना ये 30 मिनट में किया उसने लड़की ठीक है क्या नाम है डेढ़ साल में नहीं आया बोलो क्या पूछ लू डेढ़ साल क्या एक घंटे में इनको बता दे तो ट्रेनिंग चल रही थी गायब हो गई फैकल्टी मेंबर गायब हो गया हमारा ये गलती देखना हो तो उसने मोल टीसी देखी वो किसने मैं उसने बयान आ गए हेलो अरे आ गए हाँ सभी को सुनाई दे रहा है रिपोर्ट करने वाले थे चौकी अच्छी बात है अच्छा तो आप 87 ए की बात कर रहे थे ना आप तो फोन पे लगे हो हाँ डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे थे हाँ आप अच्छा फोन पे बात गुड इवनिंग गुड इवनिंग बंद है चलो बाकी लोग तो सुन रहे होंगे यार बाकी को बता देते राव जी बताते हैं राव
राव जी जो आप 87 ए की बात कर रहे थे ना, फोन पे लग गया यार, 87 ए में जो ये बात कर रहे थे उसमें ये है कि जब हम 7 लाख की बात कर रहे हैं ना, 7 लाख तक नील है, तो उसमें जो शुरू का 3 लाख होता है वहां तक तो नील होता ही है, जो 3 लाख से 6 लाख होता है उसमें 5% है और फिर बच जाता है 1 लाख, जो 1 लाख है उसमें 10% है, इसलिए वो 87 ए में जो है 25,000 की रिबेट हो जाती है। मेरी आवाज जा रही है क्या? हाँ, तो ये जो अभी रावत जी ने कहा था कि आप ये क्लियर करो कि वो जो 25,000 की रिबेट है वो ये है कि नए वाले में जो 87 ए में रिबेट है, जैसे 7 लाख की बात मैं कर रही हूँ, तो उसमें जो शुरू का 3 लाख है उस पर नील होता है, और 3 लाख से लेके 6 लाख तक जो 3 लाख अमाउंट होता है उस पर 5% होता है, और उसके बाद जो 1 लाख बच जाता है उसमें 10% है, तो टोटल 25,000 की रिबेट मिल जाती है 87 ए में। अच्छा, वो भी रिबेट हो जाएगा, वो 25, वो जो है 25,000 की छूट हो जाएगी ना, ठीक है, जिसकी अगर टोटल 7 लाख है तो उसको बता दिया है, रिटर्न फाइल करना तो आप लोगों को आता ही है सबको, और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मैडम जी, हाँ जी, ये जो मेडिकल का रहता है मैडम जी, 15,000 से ऊपर टैक्स लगता है क्या? मेडिकल मेडिकल रिवर्समेंट लेते हैं ना हम लोग, हाँ, यदि वो जो हमारा 15,000 का लिमिट है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमारा 50,000 उसमें इंक्लूड है क्या? मेडिकल में 15,000 की दे रहे हैं ना रिबेट आपको, एएमए वाले में नहीं, एएमए वाले तो काउंटेबल है ना, उसमें ही लिमिट है, एएमए तो पूरा ही ले रहे हैं, बाकी 15 का कुछ नहीं है, 15 की रिबेट है ही नहीं। अब जो है अभी जितने भी हमारे जो हॉस्पिटल पैनल में है जी जी, और जो हॉस्पिटल सरकारी हैं या जो पैनल में है, उन हॉस्पिटलों का हमारा कोई टैक्स नहीं है, उन मेडिकल बिलों का, समझ में आ गई बात? ये कहां पर है, इस चीज को क्लियर कराओ कि ये हॉस्पिटलों से जो रिइंबर्समेंट लेगा उन पर टैक्स नहीं पड़ेगा, और जो बाहर एमए से लेगा उस पर टैक्स पड़ेगा, ये चीज कहां पर है? वो ऐसा है कि जो हॉस्पिटल ऑलरेडी टैक्स देते हैं, जो हमें प्रूफ सबमिट करते हैं कि वो टैक्स देते हैं, जैसे मैडम वो जो हमसे रिइंबर्समेंट लेते हैं ना, उस पर बट वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता ना, वो ले रहे, हम तो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं ना, आप तो इंडिविजुअल से टैक्स ले रहे हैं भाई, रिइंबर्समेंट तो आप इंडिविजुअल को दे रहे हो ना, उसको वो हॉस्पिटल वाला टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा, उससे इंडिविजुअल का तो कोई लिंक नहीं हुआ ना। आप क्या कर रहे हो कि जो हॉस्पिटल वाला रिइंबर्समेंट होता है उसमें तो कोई टैक्स नहीं काट रहे हो, और जो बाहर का जो मतलब बाहर वाले एमएस लेता उस पर आप टैक्स कर रहे हो ना, तो ये डिस्टिंक्शन जो हो रहा है ये क्या है इसके पीछे के, मतलब जो हॉस्पिटल वाला रिइंबर्समेंट होगा उसमें तो कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, इसकी गहराई में एक बार आप ही लोगों ने शायद क्वेश्चन किया था, तो मैंने आपको रूल पोजीशन भी निकाल के दिखाया था। नहीं, ये बना कोई रूल पोजीशन नहीं दिखाई, उसको दिखाओ जरा, और ये क्योंकि ये डीडीओ आप है, जिम्मेदारी आपकी, कल के दिन आपके ऊपर भी ये आएगा कि भाई आपने मतलब क्यों नहीं करा, वो मैंने सीए से भी बिल्कुल क्लियर कर लिया था। अरे मैडम, कहीं राइटिंग में तो होगा ना ये चीजें, सीए से क्लियर करना, वर्बली क्लियर करना की बात अलग होती है, इनकम टैक्स की इतनी बड़ी बुक है हमारे पास, कहीं तो लिखा होगा या कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा ना। अब मैं रिटर्न में लेके क्या सारे सेंटर्स में क्या वो कर दूं, मेल कर दूं उसको? मैडम दिखा दो ना एक बार, सबको बता दो कि भाई कहां पर ये मतलब ये चीज कहां पर लिखा हुआ है क्लियर, की जो कोई किसी अगर हॉस्पिटल से अगर रिइंबर्समेंट है तो वो मतलब वो टैक्सेबल नहीं है, और जो बाहर का है एमए, चलो ये माना कि अगर तुम एमए बाहर का टैक्सेबल है ये तो हमने चलो मतलब चलो इस बात को तो मान लिया, लेकिन जो हॉस्पिटल से रिइंबर्समेंट का बिल हमें दे रहा है उसको आप रिइंबर्समेंट दे रहे हो वो टैक्सेबल नहीं है, ये कहां पर है? तुम जो हॉस्पिटल को जो हॉस्पिटल कैशलेस होता है उसको तो हॉस्पिटल को दे देते हैं, वो तो क्या टैक्सेबल नहीं होगा, वो तो क्या ठीक है, वो हम अमाउंट सीधे हॉस्पिटल को दे रहे हैं, और हॉस्पिटल अपना टैक्स देता है तो वो तो टैक्सेबल नहीं हुआ, लेकिन जो इंडिविजुअल को हम क्लेम हॉस्पिटल का देते हैं रिइंबर्स करते हैं उस पर आप टैक्स काट रहे हो नहीं काट रहे हो? हाँ, ये क्वेश्चन तो है ना, क्योंकि है सर उस पे टैक्स नहीं डिडक्ट होता। कौन से वाले पे? जो हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट का रिइंबर्समेंट है। नहीं, जो हॉस्पिटल्स का ट्रीटमेंट करता है उसका जो रिइंबर्समेंट इंडिविजुअल को मिलता है
तो वो टैक्सेबल नहीं है, वो इनकम नहीं है ना, वो एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट आप दे रहे हैं। अरे लेकिन लेकिन सर जो हम बाहर से जो बाहर का जो होता है वो होता है एमए होता है, उससे वो भी तो इनकम नहीं होती, तो उसमें तो टैक्स मतलब कट रहा है। एमए वाले पे भी काट रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल कट रहा है ना, एमए वाले में कटता है सर। वही तो बात हो रही है कि एमए पे काट रहे हैं, हॉस्पिटल वाले को छोड़ दे रहे हैं। ये चीज तो बहुत अभी भी डाउट ही चल रहा है, कहीं किसी कई सारे इंस्टीट्यूटों में तो मैंने ये देखा कि वो मतलब वो जो है 15,000 के ऊपर का जो ऊपर का अमाउंट होता है उसमें काटते हैं। लेकिन अलाउंस नहीं है, नहीं सर सैलरी की उसमें खैर उन्होंने कहीं कुछ दिया है उसको भी कि मेडिकल रिइंबर्समेंट को, लेकिन चलो अभी फिलहाल अंतर इतना आ रहा है कि चलो काट रहे हैं, लेकिन फिर एक जगह काट रहे हैं एक जगह नहीं काट रहे, ये थोड़ा सा अंतर आ रहा है ना इसमें। ये कल मैडम को क्योंकि डीडीओ मैडम होंगी या जो भी डीडीओ हो वो कल के बाद अगर किसी का कटना था उसका नहीं अगर नहीं काट रहे हैं तो जिम्मेवारी उन्हीं की आ जाएगी कल के दिन। बहुत मतलब बड़ा बड़ा अमाउंट होता है उनका भी हॉस्पिटल से। करेक्ट है, लेकिन वो बेसिकली एक तो 5 लाख पे मान लो उसको 2.5-3 लाख या 4 लाख मिलते हैं, सब चीजें देखने की बात है ना कि एक ही स्टूडेंट कितना डिफरेंस चल रहा। नहीं ये चीजें कहाँ पर लिख रखी है कि भाई ये चीजें आइटम ऐड होंगे सर? 80DDB में है ना, उसमें 40,000 तक का जो है वो पेंशनर के लिए, और जो सीनियर सिटीजन का है वो 1 लाख तक है। क्या चीज ये एग्जम्प्टेड है? मेडिकल ट्रीटमेंट में वो एग्जम्प्टेड है ना। हाँ। वो एक्सपेंडिचर दिखा के, क्योंकि वो क्लेम नहीं कर रहा है उस केस में। हाँ। तो वो इसलिए होता है, जैसे आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स या सेल्फ है कुछ स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट्स के लिए एक लिमिट तक एक्सपेंडिचर आप जो है ना वो होता है डिडक्शन। हाँ, हमने तोमर सर को दिया था ये। हाँ ठीक है तोमर सर। तो इसलिए कह रहा हूँ ना, जैसे मान लो कैंसर टाइप की ट्रीटमेंट है आपकी, मतलब किसी भी एम्प्लॉय या उसकी फैमिली मेंबर्स में 40,000 पर एनम तक आप रिबेट ले सकते हो उस एक्सपेंडिचर पे, वो डॉक्टर सर्टिफाई कर देता है कि ये ट्रीटमेंट हुआ है, उस बेस पे आप ले सकते हो। और सीनियर सिटीजन का 1 लाख है। हाँ वो हो जाता है, लेकिन ये जो आप इसको इनकम में काउंट कर रहे हो ना, ये थोड़ा सा डाउटफुल है सर। असल में मैं अभी इसको मेरे ध्यान से हटाता तो मैं इसका रूल पोजीशन लेके नहीं बैठी, ये पहले भी बात होती थी, मैंने सी सर से इसको बहुत डीपली क्लियर हुआ था, हमने रूल पोजीशन वगैरह सारी ढूंढी हुई थी उसकी। ओके। लेकिन अभी मैंने मेरे ध्यान से वो मुझे वो लेके नहीं बैठी मैं, जो राव जी क्वेश्चन कर रहे हैं उसका जवाब। हाँ तो ये एएमए पे भी डाउटफुल है, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट पे भी डाउटफुल है, क्योंकि ये तो एक्सपेंडिचर जो कर चुके हो इसका भी आंसर, इसका जवाब भी इसी के साथ है। हाँ रीइंबर्समेंट है, ठीक है ना, ये कोई इनकम नहीं है उसकी, ये तो इनकम में थोड़ी काउंट हो रहा है। नहीं उसमें ये था कि अगर जो जैसे जो हम एएमए ऑथराइज करते हैं ना, वो कहीं हमें कोई सर्टिफिकेट देते हैं कि मैं टैक्स दे रहा हूँ। नहीं वो टैक्स दे रहा नहीं दे रहा है उससे नहीं है। वो तो आप मेरा ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल वाला टैक्स जो हॉस्पिटल वाला दे रहा है उससे का लेना, रिइंबर्समेंट तो इंडिविजुअल को दे रहे हैं ना। अरे मैडम का क्या कहना है कि हॉस्पिटल वाले पे इसलिए नहीं काटते कि हॉस्पिटल वाला अपना कहीं इनकम टैक्स देता है। अरे हॉस्पिटल वाला इनकम टैक्स दे रहा है नहीं दे रहा उससे हमें क्या करना, हम इंडिविजुअल को भी दे रहे हैं वो इनकम में इसलिए काउंट नहीं है। लेकिन इनकम ये पता नहीं है, बहुत भोजपुर सर की है सर इससे बात को कौन, मैं इसको क्लियर करूंगी देखो, क्योंकि ऐसा ना कल किसी का मुझे 2-3 चीजें क्लियर करनी है, एक तो ये मेडिकल का करना, मुझे एक बार रिमाइंड करा दो तब मैं सबको करना है इसका 5-7 स्पीड है इसकी, 5 स्पीड में होना और क्या करना है रखना भी है। ठीक है एक तो ये आपने बताया ये मेडिकल वाला, इसमें देखो कितने पे मेडिकल का ये चीज कर लो कि मेडिकल रिइंबर्समेंट पे फर्स्ट चीज है कि क्या इनकम टैक्स होना है, यदि होना है तो किस किस टाइप के इनकम टैक्स में, क्या खाली एमए पे होना है या मतलब हॉस्पिटल वाले पे भी होना है या दोनों पे होना है, बस ये थोड़ा चीजों को कंफ्यूजन मत रखो ना, एक पे करेंगे एक पे नहीं करेंगे। मैडम कहीं नहीं हुआ ये हॉस्पिटल वाली बात क्लियर नहीं हो पा रही, मैंने जहां तक पढ़ा है उसमें ये है कि जो क्लेम हम सीधे हॉस्पिटल को जो मतलब इंडिविजुअल का दे रहे उस पर कोई टैक्स नहीं होगा,
क्योंकि वो लेकिन जो इंडिविजुअल को दे रहे हो ना आप लोग देखो ना उसको, क्योंकि कल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की आ जाएगी है ना। इसको थोड़ा मतलब वो चेक कर लो एक बार, एक डाउट ये क्लियर करना और क्या था कर लो है ना। मेन तो ये था, बाकी जैसे मतलब खोला सर बोल रहे हैं कि ये तो मतलब वो है रिइंबर्समेंट है, होना नहीं चाहिए इसमें टैक्स, और कुछ सेंटर केयर कार्ड भी नहीं रहे, तो ये भी थोड़ा देख लो एक बार, एक क्लियर करके मैं सेंटर्स को भी बताऊंगी। कुछ मतलब छूट तो नहीं है इसमें कि भाई इतने के ऊपर कटना है, इसके ऊपर नहीं कटना है ऐसा कुछ, या 15,000 कई जगह मैंने सुना कि 15,000 के ऊपर वाला जो आएगा उसके ऊपर मतलब टैक्स होना है। 15,000 तो एग्जैक्ट है, पता नहीं कंफ्यूजन है थोड़ा सा, ये दोनों दो तीन बातों को कर लो, नोट कर लो। नहीं एक्चुअल में रावत जी, वो आप यदि टैक्स डिडक्ट भी करते हो ना तो वो ठीक है, आप डिडक्ट कर दोगे, लेकिन जो परफॉर्मा है ना उसमें कहीं क्लोज नहीं है, वो रिफंड हो जाएगा उसको, क्योंकि सर ऐसा है ना रिफंड देखो हॉस्पिटल को, लेकिन ये तो ऐसा है ना सर, ये तो उसको मतलब ऐसा ना इनकम में जोड़ देंगे टोटल में। अब आपको नहीं, वही एक चक्कर है, वो इनकम में नहीं आएगा, यही एक चक्कर है, वही है ना, यहाँ तो ये मतलब पूरा का पूरा अमाउंट इनकम में जोड़ देंगे, दिखाएंगे थोड़ी अलग से कहीं। ये रावत जी यही एक कंफ्यूजन है कि यदि आप उसको इनकम में जोड़ दोगे ना, वो सैलरी का पार्ट नहीं है ना, वही 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 हो रहा ना, वो सैलरी का नहीं है। आप ये चीजें आप कंफ्यूज कर रहे हो, वो बेसिकली उसकी इनकम नहीं है, पेमेंट डिफरेंट होती है, सैलरी कंपोनेंट डिफरेंट होती है, तो इसको सैलरी का पार्ट नहीं मान सकते आप। और वहां पर सिर्फ जो आप पेमेंट्स दिखा रहे हो वो सैलरी डिफरेंट होती है, वो जो हेड सैलरी आता है ना सैलरी में, ये नहीं ऐड कर सकते। हाँ सैलरी का कंपोनेंट जहाँ सैलरी लिखी हुई है वहां सैलरी ही दिखानी पड़ेगी आपको, ये पेमेंट्स नहीं दिखा सकते उसमें। सैलरी में डीए हो गया कोई, जो इस तरह की पेमेंट्स होती है वो अलग चीज है। नहीं सर वैसे ना सर, ये डेफिनेशन ऑफ जो ये मतलब इनकम टैक्स के लिए डेफिनेशन ऑफ सैलरी है ना, हाँ इसमें ये एक जगह लिख तो रहा है, ये रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड टुवर्ड्स मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ एंड फैमिली मेंबर्स। अच्छा। इसको ये डेफिनेशन सैलरी तो इनकम टैक्स की है, आ रही है तो यदि उसको आ रहा है, आ रहा है, आ तो रहा है, तो ये सैलरी डेफिनेशन देखो, आ रहा है उसमें तो ये दिखा है, साफ साफ लिखा है अभी बिल्कुल लेटेस्ट वाली बुक में है कि ये एक्सपेंडिचर ऑन मतलब ऑन मेडिकल एक्चुअली इनकर्ड, लेकिन एक्सपेंडिचर नहीं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड या रिइंबर्समेंट, रिइंबर्समेंट हां रिइंबर्समेंट, रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ एंड फैमिली मेंबर्स, इसको ये डेफिनेशन ऑफ सैलरी को जोड़ रहे हैं। हाँ तो ठीक है, फिर इसमें कवर होना चाहिए, फिर भी टैक्सेबल तो है अभी, टैक्सेबल में थोड़ा अभी यही डाउट है जो मैडम को मैंने बताया, थोड़ा हॉस्पिटल का और जो ये ओपीडी वाला चक्कर है इसको थोड़ा देख लेना। इस केस में रावत जी रिइंबर्समेंट होगा तो दोनों ही होंगे, फिर वो दोनों ही होंगे, क्योंकि ऐसे चीजें नहीं कर सकते इंडिविजुअल, या तो इंडिविजुअल को दे के फिर भी हॉस्पिटल में ही दे रहा है अल्टीमेटली, तो वही तो कह रहे हैं ठीक है, हॉस्पिटल की रिसिप्ट लगाता है, इसका मतलब वो एक जैसे मान लो अब कल को फिर ये कहने लगोगे भाई यदि किसी ने इंटरेस्ट से खुद पे करके उसको हम दे रहे तो वो सैलरी में आ जाएगा, वो भी इनकम मान सकते हो कल को, कोई बात नहीं इसको क्लियर कर देंगे। और क्या क्लियर करना है मुझे बता दें, जो जो डाउट ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के सर वो तो हटा दिया ना, जब से उन्होंने 50,000 डिडक्शन करा ना, वो उसी वजह से ये मेडिकल और ये ट्रांसपोर्ट को हटा दिया वहां से, इसीलिए मैं कह रहा हूं मैडम को थोड़ा हां यार राजू राव जी ठीक तो बोल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस तब भी हटा दिया था जब 50,000 स्टैंडर्ड कर दिया, हां हटा दिया ना, नहीं नहीं उसमें ट्रांसपोर्ट नहीं हटा दिया रावत जी, उसके लिए एप्लीकेबल है, हैंडीकैप्ड के लिए, हैंडीकैप्ड के लिए है, हां हां इसलिए कह रहा हूं उसके लिए कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके लिए कंटिन्यू है, तो है हम लोगों का हट गया था वो, बाकी लोगों का हटा दिया था, तो पहले दे देते ना ऊपर से छूट दे देते हैं, मेडिकल को भी उसी में उन्होंने उसी में जोड़ दिया था, दोनों चीज हटा दी थी वहां से, थोड़ा इसको मैडम देख लेना एक बार हॉस्पिटल, क्योंकि ये कई जिम्मेवारी है ना, कल के दिन किसी का कटना चाहिए था, नहीं काटोगे तो कल कोई वो आ जाएगा ऊपर से, इसको देख लेना एक बार मैडम जी। जैसे ना जी हेलो हाँ बोलो आवाज आ रही है, जैसे कि भरतपुर में सर जैसे 15,000 से ऊपर रहता है ना जी मेडिकल, तो उस पे टैक्स लगा रही हो भाई, अब कई दिन लग रहा है, अब तो ये सारे अमाउंट पे लग रहा है, 15,000 अंदर वाली बात तो कभी खत्म कर रखी है, कहाँ है 15,000, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, लिख रहे हैं रिइंबर्समेंट ऑफ सीधे सीधे वो सैलरी का पार्ट मान रहे हैं उसको, 15,000 वाली बात तो कहीं आई नहीं रही अब, पहले होता था जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स की आप करते हो ना 50,000 से ऊपर उसकी पेमेंट होगी तब हम टीडीएस, हाँ वो होता था, लेकिन मेरे ख्याल से जब से इन्होंने 50,000 का डिडक्शन दिया ना, तो उसी 15,000 है सर,
उसमें इंक्लूडेड है 15,000 मेडिकल का, तब से हटा दिया ना, 15,000 भी हटा दिया, ट्रांसपोर्ट भी हटा दिया, दोनों चीजों को दोनों चीज को हटा दिया तब से। वो देख लो एक बार चेक कर लेना, वहां भी आप पूछ लो किसी से, डाउट तो है अभी, कंफ्यूजन इनकम टैक्स में बहुत रहता है हमेशा। डाउट इसलिए होता है हर साल कहीं किसी को जोड़ देते, किसी को घटा देते, वो बस बस कहीं कोई घट रहा कहीं कोई बढ़ रहा, कान इधर उधर से पकड़ने वाली एटीट्यूड है। 50,000 की मेडिकल उसमें जोड़ दिया, कभी कुछ जोड़ दिया, पहले ट्रांसपोर्ट घटा देते थे, फिर 50,000 करके बोले ट्रांसपोर्ट को नहीं हटाएंगे, तो फायदा क्या हुआ। चलो कहाँ गई मैडम जी, कहाँ गए मैडम जी, फिर गायब हो गई मैडम जी, कुछ ढूंढने चली गई क्या फिर। मैडम जी के हेल्थ के लिए किसी को बैठाया करो थोड़ा बहुत, इस टाइप की चीज, इस टाइप के कॉन्फ्रेंस हॉल से करवा दिया करो ताकि वो इजी रहे उनके लिए ऑपरेट करना। बस ऐसी चीजों के लिए सर, कोई अगर कोई अगर मतलब आपको मिले ना प्रोफेशनल टाइप के लोग, जो प्रोफेशनल हैं, जो दिन रात एक ही काम कर रहे हैं, थोड़ा उनके थोड़ा सा वो लोग बहुत अच्छी तरह से चीजों को कर लेते हैं, प्रोफेशनल जैसे कोई सीए टाइप के लोग होते हैं ना ये, जो मतलब इनकम टैक्स पर ही काम कर रहे हैं पूरा का पूरा, तो वो थोड़ा सा बिल्कुल उनका एकदम से ऐसे है, रूटीन में हमारी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है। हाँ हमारे यहाँ खैर नहीं है नौकरी, कंपनीज एक्टर उसमें होती है, उनके यहाँ थोड़ा ज्यादा रहती है, हमारा सिंपल ही है, नहीं तो अलाउंसेस बहुत ज्यादा है, नहीं होती है, नहीं कोई रिबेट्स लेते इतने फिक्स्ड। और नए वाले में तो अभी नए वाला जो रीजी में, उसमें तो अब सीधे सीधे ही कर दिया उन्होंने, कोई कुछ है नहीं। और मैं पिछले 3 साल से नए वाला ही भर रहा हूँ। हाँ नहीं आपकी बार फायदा है, अब तो नए वाले में ही फायदा लग रहा है सभी लोगों को। मैं पिछले 2 साल, 3रा साल हो गया, मैं नए वाला जब से इंट्रोड्यूस हुआ था नए ही भर रहा हूँ। जिसके पास बहुत सारा रिबेट की चांस नहीं है, कोई होम का नहीं है, बच्चों का पढ़ाई का कुछ नहीं है, उनके लिए नया वाला अच्छा है। एक फायदा है ना उसमें, सोचना नहीं है कोई चीज। हाँ सोचना कुछ नहीं, सीधे सीधे है बस। हाँ उसमें जो इनकम दिखा रखी है उसको बस खत्म, उसके बेस पे, ताकि सोचना नहीं पड़ता कौन सा क्लोज कितने अमाउंट। चलो सर अगर जो है नया ऑफ कर लेंगे, अगर नया ऑफ करेंगे तो उसके बाद फिर ओल्ड ऑफ करने का जो है ऑप्शन है क्या? ओल्ड, हाँ ऑप्शन है, दी हुई है। बाई डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम होगा, जिसको ओल्ड में करना है क्लेम, वो फिर राइटिंग में रिक्वेस्ट देगा पहले साल में ही स्टार्टिंग में, या तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर भी चेंज करोगे, फिर हर साल चेंज कर सकते हो, जैसे 2300 कर सकते हो ऐसे, जैसे अभी है ना 24-25 जो असेसमेंट ईयर है उसके लिए अभी देना है उसको। हाँ जी सर, ताकि आप कैलकुलेशन उस बेस पे करके असेस करो और फिर वो डिडक्ट करो। ठीक है, तो अभी एक सर्कुलर कर सकते हो कि जिसको ओल्ड टैक्स बाय डिफॉल्ट न्यू में है, ओल्ड में जिसको ऑप्शन देनी है वो राइटिंग में दे दे। चलो करो समाप्त करो। हाँ उसमें टेंटेटिव वो भी डालेंगे कि किन किन क्या हो गया, तभी कह रहे कहाँ गई मैडम, कहाँ भागी, क्या हुआ, खड़ा हो गया कोई जी तुम्हारे व्यापक बच्चों को देखो देखो ना भी कराते हैं, 100-105 हो गया। चलो बंद, कोई नहीं मैडम को 2-4 पॉइंट कोई और बचे हैं जो क्लेरिफिकेशन उसकी तरफ से लगता है दे सकती हैं तो देते हैं। वो थोड़ा उनका जरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, कंप्यूटर गड़बड़ हो रही है, तो किसी और पे साइड में किसी पे लॉग इन कर ले जो जिसमें उधर साइड में किसी ने लॉग इन किया होगा, मंजुला के पास या कहीं उधर हो, नहीं सेक्शन में होगा, उनके अंदर ही होगा, सेक्शन में होगा तो उससे कर ले, सेक्शन में या जिसने कर रखा है लॉग इन उसी के पास 2 मिनट बैठ जाए। चलिए कर रही होंगी, कर लेंगे। एक बार मुझे रिमाइंड कर दीजिए जो 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 आपकी शंकाएं आज दूर नहीं हुई, ताकि मैं एक बार आपकी और बची कुची शंकाएं समाप्त कर दूं। चलिए चलिए आप करिए, आप तो खास है नहीं, ऐसा है सभी को ये बोल दो कि जिनको भी डाउट्स है वो ईमेल से आपको कम्युनिकेट कर देंगे। हाँ जी हाँ, कल तक या परसों तक एक इस वीक का टाइम दे दो, ताकि मंडे को कंपाइल करके एक बार डिस्कस कर लो। अभी भी हो सकता है हर चीज माइंड में नहीं आए,
अभी फाइल करेंगे तब कोई माइंड में आ सकती है सर, इसके लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। हाँ इसलिए कह रहे हैं ना, नहीं वो फिर आपको भी रेडी रखना कई बार नहीं होता है, तो सीए से भी करना है तो एक टाइम पे कर लो। हाँ जी वही मैं बोल रही हूँ, कौन कौन से टॉपिक्स पे आप लोगों को डाउट है जो मुझे कंफर्म करके आपको बतानी है। मेल वो बोल दिया था, आप वो तो मेल पे मंगा लो एक हफ्ते के अंदर। राम जी को थोड़ा ज्यादा जल्दी घर जाने की, इसलिए घर जाना ही और क्या। सबको नमस्कार। ये किस ईमेल आईडी पे पूछ तो बता दो, हम ना ईमेल आईडी बता दो ताकि ये कंफ्यूजन मेरे एक जगह पे चेक करो। ये तो घर पहुंच जाएंगे बिना ईमेल आईडी के। नहीं नहीं वो नहीं है, आप एक ईमेल आईडी बता दो जो आप लोग जिसमें चेक करते हो। ये बताओ ना, डीडीओ वाली बता दो, डीडीओ वाली बता दो। डीडीओ है DDOIISWC@gmail.com। बस ठीक है, इस पे कर देंगे डीडीओ नहीं तो पंडित वाड़ी के एड्रेस पे चिट्ठी बना के भेज देना। चलिए चलो चलो हो गया, धन्यवाद सभी लोगों का, धन्यवाद कर दो भैया। कंक्लूड करें सर, अभी तो कहां था भाई, तो अभी तो तेरी आवाज नहीं है, तो कंक्लूड करने आया क्या? अरे यहां पे फाइलें पड़ी थी सारा। अच्छा अच्छा चल कर दो कर दो। ठीक है कमला जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत धन्यवाद, हमने पार्टिसिपेट किया और ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा। नेक्स्ट मंथ भी हम लोग किसी ना किसी सब्जेक्ट के ऊपर देखते हैं, अभी डिसाइड करते हैं, तो शुरू के सेकंड वीक में कर लेंगे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या कोई फाइनेंशियल मैटर के ऊपर या परचेज के ऊपर, जिसको भी मतलब ऐसा ना, जिसको भी हमें ये कि जिसको भी करना है कम से कम उसको 10-15 दिन पहले एडवांस में इन्फॉर्म कर देंगे। तो सेकंड वीक में देखते हैं, अगस्त में एक प्रोग्राम ऐसे कर देंगे और एक लास्ट में कर देंगे। और जिसको और ऐसा ना जिसको भी करना होगा ना जी जी, एक बार उसकी भी राय ले लेना कि उसको उसको किस किस मतलब किस मतलब टॉपिक में वो कंफर्टेबल लगता है। मैडम से तो बात कर ली थी। नहीं नहीं मैडम तो ठीक है, वो तो खैर कर लेंगी, और भी कोई सेंटर का या हेडक्वार्टर से किसी को अगर कराना होगा ना तो एक बार थोड़ा उनकी भी राय ले लेना कि भाई किस में उनको कंफर्टेबल है वो अपने ना। एक बार ऐसा होता है कि जबरदस्ती कोई दे दिया फिर दिक्कत सी ना हो, तो कंफर्टेबल जिसका अपना कंफर्टेबल जोन जो हो उसी पर लेक्चर उसी पर थोड़ा बहुत बता देगा फिर। ठीक है सर, फिर से एक बार सभी का धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। चलो जी और भैया अनिल क्या हो रहा है? ठीक। आज की सभा समाप्त हो गई।